वेलकम बैक चिल्ड्रेंस टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, सो नेम ऑफ द चैप्टर इज मोर ऑन MS पेंट एंड टुडेज थर्ड टॉपिक इज अबाउट द अनदर टूल. द नेम ऑफ द टूल इज इरेजर टूल. ओके, सो इरेजर टूल का यूज किस लिए होता है ये आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है. बट कैसे इसका यूज़ करना है और कैसे इसको हमें पहचानना है कि ये इरेज़र का टूल है, ठीक है. तो अब आप अपनी बुक्स ओपन करिए और स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो द इरेज़र टूल इज़ यूज्ड टू इरेज एनी पार्ट ऑफ पिक्चर. इरेज़र का यूज़ किस लिए होता है कि आप कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो उस पार्ट को आप इरेज कर दो, ठीक है. सेम एज इट इज़ आपको कंप्यूटर के MS पेंट पे भी इरेजर का यूज़ करना है, वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप अपनी कॉपीज़ पे करते हो. तो जब भी आप कभी अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करे होंगे तो आपने कई बार इरेजर का यूज़ किया होगा, तो वैसे ही आपको विंडो पे भी इरेजर टूल का यूज़ करना है, ठीक है. ओके, सो द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर, ठीक है. कोई भी आप पार्ट उस पिक्चर का इरेज कर सकते हो. तो अगर आपको पहचानना है कि इरेजर टूल किस तरीके से दिखता है, तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक इरेजर बनी है, ठीक है. लुक एट दिस इमेज, ये एक इरेजर बनी हुई है. जब आप इस पर सेलेक्ट करोगे, जब भी आप इस पर कर्सर अपना ला के रखोगे, तो वहाँ पर उस टूल का नाम भी आ जाएगा और आपको इरेजर देख के भी आप पहचान जाओगे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है. ओके, सो हाउ इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप. आप अपने टूल्स ग्रुप से अपने इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लीजिए. देन चूज द साइज ऑफ द इरेजर. आप अपने इरेजर के साइज को भी चेंज कर सकते हो, छोटी बड़ी जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है. By clicking on the desired options in the size button menu. जब आप size button option पर जाओगे तो आपको एक option मिलेगा. Look at this symbol. ठीक है, आप जब इस size पर click करोगे तो आप अपने इरेजर के sizes को भी change कर सकते हो. वहाँ पर कई सारे size available होंगे. आप size button पर select करके menu में जाके साइज बटन पे सेलेक्ट करके अपने इरेजर के साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. अ स्क्वायर विल अपीयर इन द ड्राइंग एरिया. उसके बाद एक स्क्वायर आपके आप यहाँ पे ड्राइंग एरिया पे देखें, एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है. अब आप इस स्क्वायर को अगर आपको इरेज करना है तो आप कैसे इरेज करोगे. दैट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट योर इरेजर टूल. जस्ट सेलेक्ट योर इरेजर टूल. देन Hold your left mouse button and move it on the area that you want to erase. जहाँ पे भी आपको erase करना है, बस आप अपने उस left mouse button को press करके hold रखिए और उसको move कराइए. जहाँ पे भी आपको जो भी drawing को आपको erase करना है, बस उस drawing के area पे जाके आप उस पर move कराइए, तो आपका जो eraser है वो आपके drawing को erase कर देगा, ठीक है. आप यहाँ पे image में देखिए, यहाँ पे ये square बना है, ठीक है. यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे जब इन्होंने इरेजर टूल का यूज़ किया तो ये वाले एरिया देखिए आपको इरेज्ड दिख रहे होंगे. प्रॉपर लाइन नहीं बनी हुई, इसका मतलब उन्होंने इरेजर टूल की हेल्प से इस स्क्वायर को इरेज कर दिया है, ठीक है. तो ये होता है हमारा इरेजर टूल का यूज़, ठीक है. इरेजर टूल का यूज़ हमें किसी भी अपने ड्राइंग के पार्ट को इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रश टूल. ब्रश टूल का मतलब क्या हुआ कि एक टूल होगा जिस पे ब्रश बना होगा, ठीक है. अब आप यहाँ पे अपने इरेजर टूल के ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रशेस का ऑप्शंस दिख रहा है, ठीक है. तो ब्रश टूल का यूज़ हमें किस लिए करना होता है. ब्रश टूल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स विद द डिफरेंट काइंड ऑफ
ब्रशेस। जब भी आपने कभी पेंटिंग्स करी होंगी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रशेस यूज़ करने को मिले होंगे, जिसमें कोई ब्रश बहुत पतला होता है, कोई ब्रश बहुत मोटा होता है, कोई बिल्कुल फ्लैट होता है। तो आप जैसे जैसे ब्रशेस का डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस का यूज़ करते हो अपनी पेंटिंग करते समय अपनी कॉपीज़ पर, वैसे ही आप ड्राॅइंग अपने पेंट ऑप्शन पे भी जाके अपने ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस से यूज़ करने से क्या चेंजेस आते हैं, आपकी जो ड्राइंग है, जो आपकी जो पेंटिंग है, उस पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन के आ जाते हैं और वो आपकी पेंटिंग को बहुत ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब आप जब डिफरेंट डिफरेंट ब्रश का यूज़ करोगे तो आपकी ड्राइंग में ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस दिखेंगे। कहीं पर आपके ब्रश बिल्कुल डिफरेंट होंगे, कहीं पे बिल्कुल पतला होगा, तो उसी के हिसाब से आप अपने ब्रशेस को चूज़ कर सकते हो। तो ये ब्रश टूल आपको MS पेंट पे भी अवेलेबल मिलते हैं, और वो आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ब्रश लुक एट दिस वन, ये आपका ब्रश टूल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आप जब इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको ऐसी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ से चूज़ करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस के साइजेस के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स भी मिलती है। आप इसको जूम करके देखिए, अपनी बुक पे ध्यान से देखिए, इस ब्रश में डिज़ाइन कुछ और है, इस ब्रश में डिज़ाइन कुछ और बनी है, इस वाले में बहुत पतली सी ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस की वजह से है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रश यूज़ करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके सामने बन के आएगी और आपकी ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो अब आप इसका इन ब्रशेस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे भी जो भी ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है आप उस पर सेलेक्ट करिए, देन क्लिक करिए, देन सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल ऑप्शन। जब आप उस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आप के सामने ओपन होके आ जाएंगे, एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। देन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप, उसके बाद अपने कोई भी कलर ग्रुप से कोई भी कलर चूज कर लीजिए, एंड द मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। द सेम थिंग वी ऑल्सो हैव टू रिपीट कि अगर आपको कोई भी टूल को यूज़ करना है तो आप उस टूल ऑप्शन पे सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके अपने ड्राइंग एरिया पे लेके आना है। ठीक है, फिर आप अपने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे और उसको मूव कराएंगे। जैसे जैसे आप मूव कराओगे वैसे वैसे आपकी ड्राइंग ड्रॉ होती जाएगी आपके ड्राइंग एरिया पे। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको ब्रश के साथ भी करना है कि आपने ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको आप ड्रैग करके अपने ड्राइंग एरिया पे लेके आओगे, फिर आप उस पर कोई भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, उसके बाद अपने लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके उसको मूव कराइए, जो भी आपने ब्रश स्टाइल चूज़ करी होगी उसी ब्रश स्टाइल में आपके ड्राइंग्स ड्रॉ होने लगेंगी आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्रश टूल। ओके, सो चिल्ड्रेन, देयर आर दीज टू टूल्स विच वी आर लर्न टूडे, and the last tool which we have to learn tomorrow, the name of the tool is using airbrush tool। ठीक है, तो आप लोग airbrush tool के बारे में पढ़िएगा और देखिएगा कि airbrush tool का use किस लिए है। and अगर आपको ये जो दो tools हैं, अगर इसमें आपको कोई भी problem है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो these are two tools, first one is a eraser and the second one is a ब्रश टूल। एंड यस्टरडे वॉट वी हैव लर्न अबाउट द टू टूल्स, द फर्स्ट वन इज़ अ पेंसिल टूल एंड द सेकेंड वन इज़ अ एडिंग टेक्स्ट। और अभी हमने पढ़ा है इरेजर टूल और ब्रश टूल के बारे में। तो ये दोनों टूल्स भी आपको टूल ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस को दोबारा रिवाइज़ करिएगा, और अगर आपके पास कंप्यूटर्स है तो अपने घर पे इन टूल्स का यूज़ करके देखिएगा कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ एंड कीप स्टडी।